हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक फीमेल रैबिट बच्चे देने के बाद में मर जाती है किसी कारणवश, तो अब बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कैसे पाले, बच्चों को कैसे बचाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर कोई फीमेल रैबिट है वो अगर बच्चे देने के बाद में मर जाती है, तो फ्रेंड्स हमारे पास में ऐसी कोई फीमेल होगी जिसने बच्चे ऑलरेडी दे दिए हैं, दिए हुए हैं 4-5 दिन का। अगर दोनों बच्चों के बीच में, दोनों फीमेल के बच्चों में डिफरेंस भी हो तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कम से कम 8-10 दिन का डिफरेंस हो तो फिर वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास दूसरी फीमेल बच्चे दे रखी है तो उसके पास में हम रख सकते हैं तो वो आराम से उनको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अब बच्चे, उसके बच्चे ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा छोटे हैं, तो 10-12 दिन का गैप है, तो फिर फ्रेंड्स वो एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर उस फीमेल को अपने को पकड़ के फीमेल को वीडियो रेबिट को, वो छोटे बच्चों को दूध कैसे पिलाते हैं वो हमारे पास में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे दिया हुआ है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, उसको आप देख के पिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक फीमेल रेबिट मर जाने के बाद में बच्चों को अपने इस तरीके से पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, दूसरी फीमेल का दूध पिला के या दूसरी फीमेल के बच्चों के साथ में एडजस्ट करवा के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही बता रहे थे कि एक फीमेल रैबिट के बच्चे देने के बाद में, मर जाने के बाद में क्या करे। अगर किसी के पास एक फीमेल ही है और उसने बच्चे दिए और वो मर गई, तो अब बच्चों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वो भी हमारे पास में सॉल्यूशन है। बकरी का दूध मिल जाए तो उसको किस तरीके से पिलाते हैं, हमारे पास वीडियो है, हम ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, उसको आराम से हम उन बच्चों को पाल सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। और अपने पास में हैंड फॉर्मूला भी इनका मार्केट में अवेलेबल होता है, वो पिलाकर आप बच्चों को जिंदा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, रेबिट से जुड़ी जानकारी कोई भी हो तो हमारे से कांटेक्ट ज़रूर करें, और हम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।